नमस्कार, डीजे नाहंचल के खास कार्यक्रम चुनावी दंगल में आपका पुनः स्वागत है। आज हमारे बीच में है आनंद कॉलोनी क्षेत्र की कांग्रेस कैंडिडेट सहर अखिल, जो वार्ड क्रमांक 29 से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रही है। हमने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट परमानंद योगी जी को भी आमंत्रित किया था, लेकिन किसी कारणवश उनका समय मिलने के बाद फोन स्विच ऑफ आ रहा है और उनके फोन पर लगातार हमने 10 से 11 बार प्रयास किया, लेकिन उनका फोन नहीं लगा। तो हमने अपने तय समय से एक घंटे के विलंब से हमने यह कार्यक्रम शुरू किया है। हम अब मुखातिब होते हैं कांग्रेस कैंडिडेट सहर अखिल से। आपका स्वागत है जी। क्या कुछ आपके क्षेत्र की खास समस्या है जिनको लेकर आप बताना चाहती हैं कि भाई यह काम होना जरूरी था लेकिन हो नहीं पाया? नमस्कार, आदाब एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। सबसे पहले तो मैं आपको अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूं कि मैं यहीं के जन्म है मेरा दत्ताम क्षेत्र का ही, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और अपने क्षेत्र को मैं बेहतर, और अभी मैं फिलहाल आनंद कॉलोनी की निवासी हूँ और वहाँ से मैं 29 नंबर वार्ड से एज ए कांग्रेस कैंडिडेट खड़ी हूँ। मैं अपनी जनता की समस्याओं को देखते हुए अपने वार्ड में विकास के लिए पूरी तरीके से अपना प्रयत्न करने की हम कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं पिछली बार भी खड़ी थी और बहुत ही कम अंतर से मेरा जीत हार हुई थी, लेकिन फिर भी हम सक्रिय रहे और हमारे पास जो भी अपनी समस्या लेकर आया, हमने अपने लेवल पर उस समस्या का समाधान किया। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि हम शहर अखिल के घर गए थे और हम ये समस्या लेकर आए थे और उस समस्या का समाधान नहीं हुआ। हालांकि हम उस वक्त हम लोग अपने उसमें नहीं थे, लेकिन अगर हमें जनता मौका देगी तो हम अपने वार्ड की हर समस्या का हम समाधान करेंगे। और जब तक कि मैं चैन से नहीं बैठूंगी, जब तक कि मैं अपने वार्ड की हर समस्या का समाधान करूंगी, जो कि बेसिक समस्याएं सबसे ज़्यादा हमारे वार्ड में है कि झाड़ू नहीं लग पाती है किसी भी जगह, सिर्फ सफाई कर्मचारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, उनके ऊपर ना ही कोई दबाव है और जनता हर जगह परेशान है। हमारी महिलाएं अपने घर के आगे खुद झाड़ू लगा रही हैं। मैं उस दिन तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक कि मैं हर एक प्रत्येक घर के आगे झाड़ू ना लगवा दूं और अपने वार्ड को बिल्कुल साफ सुथरा ना कर दूं, स्वच्छ। और नालियों की परेशानी हर जगह, जहाँ जहाँ मैं गई हूँ महिलाओं ने नालियों की परेशानी अपनी समस्याएँ बताई हैं। पानी से बहुत जगह पानी की समस्याएँ हैं, जबकि इनकी सरकार सेंट्रल में भी थी और स्टेट में भी सरकार बीजेपी की है और पार्षद भी हमारे बीजेपी के रहे, फिर क्यों नहीं हमारे यहाँ पर वार्ड में काम क्यों नहीं किया गया? रोड कहीं पर भी रोड नहीं है, जो रोड बनी हुई थी पहले वही रोड अभी भी बनी हुई है, जो 10 साल पहले रोड बनी हुई थी उसके बाद कोई भी नई रोड नहीं बनी है। और कहीं अभी जो काम शुरू करा है रोड का, 4 महीने से लोग परेशान हैं और उसको काम को बीच में उसको रोड का काम जो है बहुत ही धीमी गति से चल रहा है, वो भी सिर्फ कुछ जगहों पे आधी रोड बना दी है, आधी जगह जनता परेशान है। जनता ये कह रही है कि हम वोट ही नहीं डालेंगे, जब हम यहाँ पर जा रहे हैं अपना प्रचार करने के लिए, जनता इतनी ज़्यादा त्रस्त है कि हमारे आधी जगह रोड बनाई है और हमें आपने क्या हमें अंडर डेवलप में आपने अनडेवलप समझा है आपने हमें, जो आप हमारे यहाँ रोड नहीं बना रहे, हमारी समस्या का सुन। मैंने कहा आप हमें जिता के लाइए, हम आपकी रोड बनवाएंगे, हम आपसे वादा करते हैं हम आपकी रोड बनवाएंगे। ब्रिज के नीचे वाला जो एरिया है प्रताप नगर का, वहाँ पे महिलाएं बहुत परेशान हैं और राजस्व कॉलोनी में पानी का निकाल नहीं हो रहा है, वहाँ पे भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो पार्षद जी ने करा क्या है, इतने साल उनको दिए गए, 10 साल 13 साल कुछ कम नहीं होते हैं, 13 साल बहुत होते हैं, आपने वार्ड में क्या विकास किया? पानी की समस्या से जगह जगह लोग परेशान हैं, हमारे यहाँ पर आनंद कॉलोनी में भी लोग पानी की समस्या से परेशान हैं, कहीं पर भी नल का कोई भी प्रॉपर सप्लाई नहीं है और सफाई की गाड़ी भी जो आती है वो भी कभी हफ्ते में एक बार आ रही है, कोई उसका नियमित टाइम नहीं है सफाई की गाड़ी का। तो मैं वादा करती हूँ अपनी जनता से कि जो हमारे अनडेवलप जो हमारे एरियाज हैं, जो विकसित नहीं हैं, उनको हम विकसित कराएंगे। जो हमारे स्लम्स एरियाज हैं जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा लोग परेशानी झेल रहे हैं, उसको हम जो है डेवलप करवाएंगे। और जिन लोगों को पट्टे नहीं दिए गए हैं, गरीबों को कुछ भी कार्य नहीं हुआ है गरीबों के साथ, तो गरीब तो मतलब होमगार्ड कॉलोनी वाले गरीब भी अपनी समस्याओं का बता रहे हैं कि उन लोगों को उनके साथ कुछ भी पार्षद जी ने कुछ भी काम नहीं करवाया, जब हमारी सरकार थी, जब हमारी सेंट्रल में सरकार थी, जब हमारी स्टेट में सरकार थी और पार्षद भी था, तो फिर आखिर गरीबों की क्यों नहीं सुनी गई, क्यों गरीबों को
प्रॉपरली जो है उनके राशन वगैरह उपलब्ध नहीं हुआ है, उनको पट्टा नहीं दिया गया है, जो जिनकी पट्टा नहीं मिला तो उनको हम लोग पट्टा दिलवाएंगे। और यही सारी समस्याएं हैं, मेन जो समस्याएं हैं वो यही है। सफाई कर्मचारियों से तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अपनी मनमानी करते हैं। देखिए आनंद कॉलोनी में हमारा थर्ड नंबर रो में घर है और सिर्फ पहली गली में झाड़ू लगती है, वो भी पहली गली वाले भी मतलब वो भी यही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी झाड़ू नहीं लगती पहली गली से। तो इसलिए मतलब उनकी मर्जी है, वो आएंगे नहीं आएंगे और अपनी मनमानी वो लोग कर रहे हैं। और नालियों की हर जगह महिलाएं शिकायत कर रही हैं, तो हम लोग मैं वादा करती हूँ कि अपने जिस तरीके से जो मेरा नाम है शहर, वैसे ही मैं अपने उजाला शहर जो होता है वो उजाला होता है, रोशनी सुबह की रोशनी, वही मैं अपने वार्ड में फैलाऊंगी चमकाऊंगी। आप मुझ पर पूरा भरोसा रखिए, पूरा मुझे आप अपना समर्थन दीजिए। मैं अपनी जनता से वादा करती हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से वादा करती हूँ कि जब तक कि मेरे वार्ड की समस्याएं हल नहीं होंगी मैं एक दिन भी चैन से बैठूंगी नहीं। और अपने स्तर पर, और अगर हमारे जो है मैम जी भी हमारे बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं, महापुर के प्रत्याशी हैं, तो मैं अपने स्तर पर हम लोग बहुत अच्छा कार्य करके दिखाएंगे। आप बस एक बार मुझे मौका दीजिए, एक बार मुझे जिता दीजिए, मुझे एक बार आप कामयाब कर दीजिए, मैं आपकी हर समस्याओं का समाधान करूंगी। मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे अपने वार्ड की जनता के लिए। ये है हमारे साथ में वार्ड क्रमांक 29 आनंद कॉलोनी क्षेत्र की कांग्रेस कैंडिडेट सहर। हम आपको बता दें कि वार्ड क्रमांक 29 में जो आने वाले एरिया है आनंद कॉलोनी, समता नगर, डीआरपी लाइन, प्रताप नगर, राजस्व कॉलोनी और होमगार्ड कॉलोनी, यह वो क्षेत्र है। यदि कुछ एरिया को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारा एरिया अनडेवलप में आता है और कहीं वहां पर जिस गति से निर्माण कार्य होने चाहिए थे कहीं ना कहीं विकास कार्य नहीं हो पाए हैं, जिससे कि लोगों में काफी आक्रोश भी है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों में असंतोष भी व्याप्त है। हम आपको बता दें कि हमारे इस कार्यक्रम में हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्यक्ष पार्षद पद के जो प्रत्याशी हैं परमानंद जी योगी, हमने उनको भी आमंत्रित किया था, हमने उनसे समय लिया था लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आ पाए। पिछले एक घंटे से हम उनको लगातार फोन कर रहे हैं, तय समय होने के बाद भी कम से कम एक घंटे के विलंब से हमने यह हमारा कार्यक्रम शुरू किया है। और जब भी हमसे उनसे मुलाकात होगी, जब वो चाहेंगे, जब वो कहेंगे, तब हम उनका भी पक्ष आपके सामने रखेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ में कांग्रेस कैंडिडेट है सहर, जो अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर चर्चा कर रही है। सर, इसके अंदर आपके कुछ खास है कि आनंद कॉलोनी का एक जो मेन रोड है वहीं पे ड्रेजिंग ग्राउंड के हिसाब से एक कचरा स्थल भी बना दिया गया है, कई जगह पूरी आनंद कॉलोनी की जो मेन रोड है वो पूरी टूटी हुई है। आनंद कॉलोनी वाले क्षेत्र में सिर्फ विकास के नाम पे पिछले 4 महीनों से सड़कें खोदी हुई है लेकिन वहां पर सड़कें बनी नहीं है। और यदि आनंद कॉलोनी और ऑफिसर कॉलोनी वाला जो मध्य क्षेत्र कहा जाता है, कॉन्वेंट स्कूल के यहाँ से जो शुरू होता है, पीएचई के यहाँ से जो शेरानी पूरा जिम खाना है जमात खाना तक जाता है, वो पूरा रोड जो है खुदा हुआ है और कहीं बना हुआ कहीं नहीं बना हुआ, तो इसके अंदर क्या कुछ कमियां लगती है? क्या सिर्फ चुनाव को देखकर उन्होंने सारी तैयारियां की थी? जी, चुनाव जैसे ही उन्होंने देखा कि चुनाव आ रहे हैं तो अब तो हम जनता के पास क्या अपने मुद्दे लेके जाएंगे, हम क्या बोलेंगे कि हमने क्या करा है। इसलिए आनंद फानंद में सिर्फ ये सब बना दिया गया है, तोड़ के सब चीज रख दी गई है, जिससे सिर्फ जनता परेशान हो रही है। सबकी, हमारे घर की खुद 3-4 गाड़ियां हैं सब खराब हो गई हैं और इसी तरीके से सबकी खराब हो रही होंगी और लोग वहां पे गिर भी रहे हैं लेकिन यहां पर कोई भी सुनवाई हो नहीं रही है। रोड अब जब बारिश आ गई है तो आप सोच ही लीजिए कि क्या हालत होगी। तो इसलिए मेरा तो आपसे बस यही अनुरोध है कि आप एक पढ़ा लिखा योग्य प्रत्याशी चुनिए। मैंने अपनी यहाँ से स्कूलिंग भी सेंट जोसेफ कॉन्वेंट से करी है और मैंने अपनी आगे की ग्रेजुएशन भी मैंने अपनी यहाँ पे गर्ल्स कॉलेज से करी है। अपने रतलाम को मैं बहुत ज़्यादा चाहती हूँ और अपने हर वर्ग को मैं अपने बहुत ज़्यादा चाहती हूँ हर। इसलिए जो है मैं यही चाहती हूँ कि जो है आप मुझे एक बार बस प्रयास दें। जातिवाद हर चीज़ से ऊपर उठकर, धर्म जाति ये सब कुछ नहीं होता है, सिर्फ आप प्यार मोहब्बत और विकास की तरफ आप ध्यान दीजिए और हमें अपने क्षेत्र में विकास करना है मिलकर। हमें जो है जो भी समस्याएं हैं वो वहीं की वहीं है 13 साल बहुत होते हैं। इसलिए आप एक ऐसी पार्टी को वोट मत दीजिए जो कि घमंड में, जिसके जो प्रत्याशी हैं वो सब घमंड में चूर हैं, सिर्फ उनको सिंबल मिल जाता है, सिंबल के बलबूते पर वो लोग सिर्फ जनता के बीच में जाते नहीं हैं, काम कुछ भी नहीं करा रहे हैं। तो इसलिए अब की बार कांग्रेस सरकार पूरी मजबूती के साथ आ रही है, क्योंकि पहले भी हमारी सरकार आ गई थी लेकिन हमारी सरकार जो है वो सेंट्रल स्टेट में आ गई थी लेकिन किसी कारणवश हुक एंड क्रुक वो नहीं रही। लेकिन अब
जनता चाहती है, जनता बदलाव चाहती है। इस बार जनता इस घमंडी सरकार को बिल्कुल दूर करेगी और मयंक चार जी भी बिल्कुल विजयी रहेंगे और हमारे पार्षद भी सारे विजयी रहेंगे। यही मेरी सबसे यही उम्मीद है, यही मैं इसी माध्यम से आप लोगों से यही निवेदन करती हूँ कि आप एक सरल स्वभावी और पढ़े लिखे इंसान को चुनिए जो कि अपने वार्ड का विकास कर सके। आप ऐसे इंसान को मत चुनिए जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जब आज आपको जनता के समक्ष आके अपनी बात रखनी चाहिए थी तो आप कहाँ हैं? आप तो गायब हो गए यहाँ से। कर्मठ रहना चाहिए, जनता की जो भी परेशानियाँ हैं उसको दूर करना चाहिए। और मैं इस माध्यम से यहाँ पे मीडिया के माध्यम से मैं वादा करती हूँ अपने वार्ड के जो है हमारे जो वार्ड के जितने भी लोग हैं सभी से जो भी समस्याएं सबके सामने जिन्होंने हमारे सामने जो भी समस्याएं रखी हैं मैं वादा करती हूँ कि मैं उन समस्याओं को पूरी तरीके से दूर करूँगी, अपनी पूरी जी जान लगा दूंगी जब तक कि मैं चैन की सांस नहीं लूंगी, जब तक हमारे वार्ड में पूरी तरीके से विकास नहीं होगा। कुल मिलाकर इनका कहना है कि यह अपने वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाने चाहती है जिसके अंदर आनंद कॉलोनी तो इनका प्रमुखता में रहेगा ही कि वहां से ऑफिसर कॉलोनी से लेकर जो शिरानी हेल्थ क्लब जिन तक की वहां की सड़क के साथ में वो जो तीनों चारों पांचों जो आनंद कॉलोनी की जो सड़क जो जर्जर हो चुकी है उनका तो निराकरण करेंगे ही, लेकिन समुचित वार्ड विकास को लेकर एक आदर्श वार्ड बनाने की यह बात कर रही है। और पूरे शहर की एक सोच है, एक अच्छी कल्पना है कि हमारे महापौर यदि आए तो पूरा शहर समुचित ही इनका विकास करेगा और एक विकास की बात ही नहीं विकास के आयाम भी स्थापित करेगा और शहर में देखने को मिलेंगे। हम आपको बता दें कि हम वार्ड क्रमांक 29 के कांग्रेस कैंडिडेट शहर हैं जो अपनी बात रख रही है। हमने भाजपा कैंडिडेट को भी इसमें परमानंद जी योगी को आमंत्रित किया था। पिछले तय समय होने के बाद में उनसे दो दिन से हम लगातार संपर्क में थे, उनसे बात हो रही थी, लेकिन जब उनका यह कार्यक्रम का समय आया तो उनका फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। हमने उनसे निरंतर प्रयास किए, करीबन 8 से 10 बार उनको कॉल किया है लेकिन वह फोन रिसीव नहीं आया, स्विच ऑफ की जानकारी मिली थी। और उसके 2 घंटे विलंब से हमने यह कार्यक्रम 1 से 2 घंटे विलंब से यह कार्यक्रम शुरू किया है और हम हमारे बीच में कांग्रेस कैंडिडेट ही अपने मुद्दों को रख रहे हैं। जब हमसे उनसे बात होगी, जब उनसे मुलाकात होगी, जब उनसे बात होगी तब हम उनका भी पक्ष रखेंगे, उनकी भी बात जानेंगे, उनके भी विकास के दावों को और उनकी जो जनता के बीच में वो जिस बात को लेकर जा रहे हैं उनकी बात भी रखने का आपके बीच में प्रयास करेंगे। फिलहाल हम आपको बता दें कि लगातार 3 सालों से नगर सरकार नहीं है और नगर सरकार के नहीं होने का एक कहीं ना कहीं खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, क्षेत्र और शहर की जनता को भुगतना पड़ रहा है, जैसे कि शहर के विकास की जो कड़ी है वह कहीं ना कहीं टूटी है और उसकी वजह से क्षेत्र के जो लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और ये भाजपा कैंडिडेट या कांग्रेस कैंडिडेट जो भी हो वह जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं आक्रोश देखने को मिल रहा है। निश्चित इसमें जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही है, उनके विकास की कड़ी वो लगातार जोड़ के नहीं रख पाए, विकास को सुचारू रूप से नहीं चल पाया, इसी वजह से अब नगर सरकार का गठन हो रहा है। और हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आप ऐसे योग्य कैंडिडेट को नगर सरकार में अपना प्रतिनिधित्व बनाकर भेजें जो आपके क्षेत्र की और अपने शहर के विकास की बात कर सके, आपके लिए काम कर सके और जो सिर्फ बात ही नहीं कागजों में नहीं बाकी हकीकत में भी विकास के दावों की सच्चाई और विकास को महसूस करा सके। हम वापस कांग्रेस कैंडिडेट शहर की ओर चलते हैं। शहर जी क्या कुछ अब आपने जो अपनी बात रखी थी लेकिन आप क्या चाहती हैं किस तरह का महापौर शहर में होना चाहिए? महापौर प्रत्याशी हमारे जो है वो मैं जाटी बहुत ही सरल स्वभावी और बहुत ही कर्मठ है और जन जन में उनको उनके लिए बहुत ही प्यार और मोहब्बत हर जगह से दिख रहा है, हर वर्ग के लोग उनको प्यार कर रहा है। तो निश्चित ही हमारे महापौर जी इस बार ज़रूर जीतेंगे। मयंक जाट जी पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी अब की बार महापौर सीट पे ज़रूर विजय रहेगी और मेरी शुभकामनाएं उनको कि आगे के लिए भी क्षेत्र का हमारे पूरे रतलाम का विकास होगा उनकी अध्यक्षता में। यह थी हमारे पास साथ में वार्ड क्रमांक 29 की कांग्रेस कैंडिडेट सहर। हमने भाजपा कैंडिडेट को भी परमानंद जी योगी को भी बुलाया था लेकिन वो किस कारणवश नहीं उपलब्ध हो पाए। हम उनकी बात जब उनसे मौका मिलेगा तब उनकी बात भी रखेंगे, उनके विकास के दावों को भी सुनेंगे, उनके सच्चाई भी सुनेंगे और उनके किए गए कार्यों की बात भी करेंगे। हमारा आपसे निवेदन है कि आप वोट अवश्य करें, शहर हित में, विकास हित में, जनहित में अपना मतदान करें और ऐसे लोग योग्य उम्मीदवार को चयन करके भेजें जो सिर्फ विकास की बात नहीं विकास के दावे और विकास का एहसास भी करा सके। हम फिर मिलेंगे नए प्रतिनिधि के साथ में, नए वार्ड के साथ में, नए वार्ड की दावों के साथ में, उनकी सच्चाई के साथ में। तब तक आप सहन जी आपका बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में। शुक्रिया।
आए हैं और पधारी हैं, तब तक आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम चुनावी दंगल।